तो हमने पहले इंफॉर्मेशन को गैदर किया उसके बाद इंफॉर्मेशन का एनालिसिस किया। ब्लू प्रिंट ऑफ द्लू प्रिंट ऑफ द सिस्टम मीन इससे पहले कि हम एक्चुअली फिजिकली सिस्टम को बनाना स्टार्ट करें उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें उससे पहले हम एक डिजाइन पर कर लेंगे एक ब्लू प्रिंट प्रिपेयर कर लेंगे जिसमें हम सारी चीजों को सिस्टम की स्पेसिफाई करेंगे कि हमारे सिस्टम का डिजाइन कैसा रहेगा उसकी इनपुट कैसे होगी उसकी आउटपुट कैसे होगी उसका इंटरफेस कैसे होएगा दो विल नॉट बी वेरी मच कंसर्न विद द वर्किंग ऑफ द सिस्टम तो ज्यादा जो हमारा कंसर्न है अभी वो सिस्टम की लॉजिकल लेआउट पे है कि इससे पहले कि हम सिस्टम को फिजिकली नो uh, no, उसको डेवलप करना स्टार्ट करें हम लॉजिकली देख लेते हैं कि हमारा सिस्टम काम कैसे करेगा कितने अलग अलग प्रोसेस होंगे इनपुट कैसे होगी आउटपुट कैसे होगी सिस्टम का इंटरफेस कैसे होगा तो ये सारा लॉजिकल स्ट्रक्चर है आपके सिस्टम का जैसे फॉर एग्जाम्पल बिफोर बिल्डिंग द होम यू यूज टू प्रिपेयर द ब्लू प्रिंट ऑफ द होम आपने घर बनवाना है आप घर बन, बनवाने से पहले उसका नक्शा बनवाते हो तो अब जो नक्शा होता है वो एक्चुअल फिजिकल घर तो नहीं होता ना आपका वो एक लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है वो डिजाइन होता है कि आपके घर का घर में एक्चुअली उसकी डिजाइनिंग कैसे होगी होगी कितने रूम्स होंगे रूम्स का साइज क्या रहेगा उनका अरेंजमेंट कैसे रहेगा एंट्रेंस कहाँ से होगी और डिफरेंट uh, जो आपके रूम्स uh, होंगे उनकी प्लेसमेंट और अरेंजमेंट मींस किचन कहाँ होएगा आपका लॉबी कहाँ होएगी ड्राइंग रूम आप कहाँ पे रखोगे तो ये, ये सारी चीजें तो घर फिजिकली बनवाने से पहले यू विल प्रिपेयर द ब्लू प्रिंट ऑफ द होम घर बनवाने से पहले जैसे आप उसका नक्शा बनवाते हो इसी तरह से हम सिस्टम को फिजिकली बनाने से पहले उसका डिजाइन बनाते हैं तो अब डिजाइन पॉइंट ये है कि डिजाइन बनाने के फायदे क्या हैं तो सबसे बड़ा फायदा ये है जी आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे विद विद द द कि आप बनाना क्या क्या चाहते हो उसकी इनपुट कैसे क्या, कैसे कहां पे होएगी आउटपुट कहाँ पे होएगी प्रोसेस क्या होंगे फेजेस क्या होंगे ये पहला प्रोसेस दूसरा प्रोसेस तो आप पूरा लॉजिकल अरेंजमेंट कर पाओगे और आपकी पूरी जो डेवलपमेंट टीम है वो क्लियर हो जाएगी कॉन्सेप्ट के साथ कि हम जो प्रॉब्लम हमारे पास है उसका सोल्यूशन हम कैसे बनाएंगे तो अगर आप पहले लॉजिकल लेआउट नहीं बनाओगे तो आप आपकी जो टीम है वो एफिशिएंटली काम नहीं कर सकती क्योंकि लेआउट में बहुत सारी चीजें होंगी उसका इनपुट होगा आउटपुट होगा यूजर इंटरफेस होगा तो हो सकता है कि इन सारी चीजों पे अलग अलग टीम्स काम कर रही हो तो एक बार लॉजिकल स्ट्रक्चर जब आपके सिस्टम का प्रिपेयर हो जाएगा

कि आप अपने थॉरो एनालिसिस कर लिया आपने पूरी उसकी फिजिबिलिटी स्टडी कर ली आपने सारा कुछ कर लिया इंफॉर्मेशन जो आपको मिली थी आपने वैलिडेट कर लिया अब उसके बाद उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे द डिजाइनिंग ऑफ द सिस्टम और सिस्टम डिजाइनिंग के अंदर भी सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे आज दैट इज इनपुट आउटपुट डिजाइन इनपुट आउटपुट डिजाइन में भी आज हम सिर्फ इनपुट डिजाइन की बात करेंगे कल हम बात करेंगे आउटपुट डिजाइन की तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन तो जैसा मैंने आपको बताया कि सिस्टम डिजाइन बेसिकली डील्स विद द ब्लूप्रिंट ऑफ योर सिस्टम तो जो आपका सिस्टम डिजाइन होता है बेसिकली वो दो तरह का होता है पहला होता है प्रिलिमिनरी और जनरल डिजाइन और दूसरा होता है स्ट्रक्चर्ड और डिटेल डिजाइन तो uh, जो इससे मतलब एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये एक्चुअली इनपुट uh, 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 मतलब डिजाइनिंग तो तो हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं कौन क्या करेगा और कौन सा सीक्वेंस फॉलो होगा तो अब जो हम डिजाइनिंग प्रिपेयर करेंगे डिजाइनिंग दो तरह की होती है द फर्स्ट वन इज प्रिलिमिनरी डिजाइन और दूसरा होता है और डिटेल्ड डिजाइन तो सबसे पहले देखते हैं जी व्हाट इज दिस प्रिलिमिनरी डिजाइन तो प्रलिमिनरी डिजाइन इज बेसिकली इनिशियल डिजाइन, जिसमें आप बिल्कुल जनरल सा कंसिडरेशन लोगे फिजिबिलिटी स्टडी करने के बाद आप एक जर्नल डिजाइन बना लोगे कि सिस्टम कुछ ऐसा होएगा, और उसके उसमें टोटल इतने कॉम्पोनेंट होंगे बस एक जर्नल सा डिजाइन तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन प्रिलिमिनरी और जनरल डिजाइन द फीचर ऑफ न्यू सिस्टम स्पेसिफाइड कि हमारे सिस्टम के फीचर्स क्या होंगे सपोज uh, कीजिए आप एक कैलकुलेशन uh, मशीन बनाना चाहते हो आपके पास प्रॉब्लम थी कि आपने जो हैं उनको मैनुअल से ऑटोमेटिक करना है तो आपने सारा जो उसका रिक्वायरमेंट uh, ले ली रिक्वायरमेंट लेने के बाद उसका एनालिसिस कर लिया उसकी फिजिबिलिटी स्टडी कर ली सारा कुछ हो गया तो इसके बाद हम डिजाइन के साथ प्रोसीड करेंगे तो जनरल डिजाइन में हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारे सिस्टम के फीचर्स क्या होंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैलकुलेटिंग कैलकुलेटिंग एक कैलकुलेशन सिस्टम uh, बना रहे हो तो वो जो सिस्टम है वो कैलकुलेशंस परफॉर्म करेगा वो एडिशन करेगा सब करेगा मल्टीप्लिकेशन करेगा लाइक दिस तो मींस बेसिकली आपका सिस्टम करेगा क्या जनरल डिजाइन में हम यही देखेंगे कि ये जी इनपुट uh, है और ये आउटपुट है इनपुट होगी आपके नंबर्स और आउटपुट होगी परफॉर्म्ड कैलकुलेशंस और कैलकुलेशंस कैसी हो सकती हैं इट कैन बी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एटसेट्रा एटसेट्रा तो जनरल डिजाइन में हम सिर्फ अपने सिस्टम के फीचर्स को देखेंगे इन स्ट्रक्चर्ड और डिटेल डिजाइन हम कंप्यूटर ओरिएंटेड वर्क स्टार्ट कर देंगे बिल्कुल थॉरोली सीरियसली डिजाइन ऑफ द सिस्टम बिकम स्ट्रक्चर डिजाइन इज अंट ऑफ द कंप्यूटर सेम्पोनेंट एज द ओरिजिनल प्रॉब्लम तो अब डिटेल स्ट्रक्चर में मेरे सारे कॉम्पोनेंट्स आ गए वो कॉम्पोनेंट की प्लेसमेंट कैसे होगी कौन सा कॉम्पोनेंट कैसे कनेक्टेड होगा इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसा रहेगा इंफॉर्मेशन इनपुट कहाँ पे होगी प्रोसेस कहाँ पे होगी आउटपुट कहाँ पे जाएगी और प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे डिलीवर होगा तो डिटेल्ड स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कितने कॉम्पोनेंट्स हैं कॉम्पोनेंट्स कैसे कनेक्टेड हैं? डेटा कहाँ से इनपुट हो रहा है कहाँ पे प्रोसेस हो रहा है कहाँ पे रिटर्न हो रहा है और ऑब्वियसली आपका जो इनिशियल प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कैसे आएगा तो इसमें हम इसके अलावा वो सारी चीजें भी डिस्कस करते हैं जो इम्प्लीमेंटेशन में हम यूज करेंगे फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड द प्लेटफॉर्म इन विच द न्यू सिस्टम विल रन आर ऑल्सो डिसाइडेड कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे कौन से प्लेटफॉर्म uh, में इसको रन करेंगे ये सारा कुछ डिसाइड होगा इन स्ट्रक्चर्ड और डिटेल्ड डिजाइन तो सिस्टम डिजाइन मीन क्रिएटिंग द ब्लू प्रिंट ऑफ योर सिस्टम द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम दैट यू द दैट मोर क्लैरिटी टू योर टीम और दो तरह का होता है प्रिलिमिनरी और जर्नल जिसमें हम सिर्फ फीचर्स की बात करते हैं हमें ये पता होगा कि बस यही कॉम्पोनेंट्स होंगे टोटल यही कॉम्पोनेंट्स होंगे और ये सिस्टम ये काम करेगा इसमें हार्डवेयर होगा सॉफ्टवेयर होगा और ये ये चीज करेगा इसमें सिर्फ हार्डवेयर होगा और सिर्फ ये चीज करेगा तो डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम दैट इज बीइंग डेवलप्ड तो उसके हिसाब से तो स्ट्रक्चर डिजाइन में कंपोनेंट्स आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे इंटर रिलेशनशिप कैसे रहेगा इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करेगी इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग कैसे होगी कौन सा आ, कौन सा हम प्लेटफॉर्म यूज करेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर आप आ, कोई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज होएगा तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करेंगे करोगे उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आप किसी खास प्लेटफॉर्म को यूज करोगे उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को टाइप करने के लिए तो ये सारी चीजें यू विल बी स्पेसिफाई इन द स्ट्रक्चर्ड और डिटेल डिजाइन नाउ कमिंग टू 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 दुडेज टॉपिक दैट इज इनपुट डिजाइन तो अब देखते हैं कि ये इनपुट डिजाइन क्या होता है इनपुट डिजाइन इज टू इंश्योर द क्वालिटी एंड टाइमलीनेस ऑफ इनपुट डेटा तो हमारा जो मेन एम्फोसिस है इनपुट डिजाइन पे वो इस चीज पे रहेगा कि डेटा इनपुट कैसे करेंगे हम हम अपनी प्रॉब्लम का इनपुट करेंगे कैसे तो ऑब्वियसली जो आपका सिस्टम होगा वो यूजर की किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करेगा तो ऑब्वियसली यूजर की कोई प्रॉब्लम होगी इसीलिए तो वो आपके पास आएगा ना कि मुझे ये प्रॉब्लम है एंड आई वांट टू डेवलप फॉर दिस प्रॉब्लम तो जब आप उस प्रॉब्लम का सोलूशन बनाओगे तो ऑब्वियसली डिजाइनिंग फेस में आप ये डिसाइड करोगे कि एक्चुअली यूजर अपनी प्रॉब्लम को इनपुट करेगा कैसे और उसके बाद इनपुट डिजाइन में हम और, हम ये भी मेक श्योर sure करेंगे कि जो इनपुट हुआ है जो यूजर ने इनपुट करा है उसकी क्वालिटी एक्यूरेसी और उसको टाइमली मतलब ये ना हो कि डिले बहुत ज्यादा हो जाए जो इनपुट यूजर करेगा पहले तो इनपुट के लिए यूजर को कैसा इनपुट हम एक्सेप्ट करेंगे तो इनपुट के अंदर हम तीन चीजों को मेंटेन करेंगे इनका ध्यान रखेंगे डिजाइनिंग में क्वालिटी एक्यूरेसी और टाइमलीनेस और जैसे मैंने आपको बताया कि इनपुट डिजाइन में हमारा जो मेन एम्फेसिस रहेगा वो रहेगा इनपुट ऑफ डेटा तो हम ये डिटरमिन करेंगे कि डेटा कैसे कैप्चर होगा या एंटर होगा कैप्चरिंग मींस आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द सोर्स डेटा एंड डेटा एंट्री इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोर्स डेटा इंटू कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म एंड एंटरिंग इट इंटू द इंफॉर्मेशन सिस्टम तो जो हमारा इनपुट डिजाइन में मेन एफसिस रहेगा वो यही इसी चीज पे रहेगा कि हम डेटा लेंगे कैसे तो डेटा कैसे कैप्चर करेंगे या डेटा कैसे एंटर करेंगे कैप्चरिंग मींस आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द डेटा और डेटा एंट्री मींस कन्वर्टिंग द डेटा इनटू द कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म एंड पासिंग इट टू द इंफॉर्मेशन सिस्टम नाउ टॉकिंग अबाउट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इनपुट डिजाइन इनपुट डिजाइन के मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं तो पहला ऑब्जेक्टिव है जी टू सिलेक्ट टू अ सिलेक्टेबल इनपुट एंड डेटा एंट्री मैथ सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कोई सुटेबल इनपुट और डेटा एंट्री मैथड कि हम डेटा इनपुट करवाएंगे कैसे कौन सा डिवाइस यूज करेंगे कैसे हैंडल करेंगे उसको तो उसमें आपने एक्यूरेसी, टाइमलीनेस इन चीजों का ध्यान तो क्वालिटी इन चीजों का तो ध्यान रखना ही है लेकिन सबसे पहले इनपुट डिजाइन में आप देखोगे कि आप इनपुट और डेटा एंटिटी मेथड कौन सा यूज करोगे द सेकेंड इज टू रिड्यूज इनपुट वॉल्यूम तो दूसरा हम यूज कोशिश ये करेंगे कि हम जो इनपुट लें उसमें बहुत ज्यादा बेकार की इंफॉर्मेशन को कंसिडर ना करें और ना ही यूजर को अलाउ करें वो करना थर्ड इज टू डिजाइन दीन तीसरा उसका जो डेटा एंट्री है इजी टू यूज होना चाहिए द फोर्थ इज टू यूज वैलिडेशन चेक टू रिड्यूज इनपुट एर तो आपको ये ऑब्जेक्टिव भी है इनपुट डिजाइन का कि यूजर जो इनपुट एंटर करे उसको मैं पहले ही स्टेप पे वैलिडेट कर दूं अगर उसमें कोई एरर है तो यूजर को कहूं कि वो डेटा वापस एंटर करे जैसे फॉर एग्जांपल आपने टाइम सेलेक्ट करना है या डेट सेलेक्ट करनी है तो डेट आप अगर सेलेक्ट कर रहे हो तो किस मंथ में कितने दिन होते हैं उसके हिसाब से वो पूरी वेलिडेशन होनी चाहिए वैलिडेशन मीन्स यूजर क्या एंटर कर पाए जो इंफॉर्मेशन यूजर ने एंटर करी है क्या वो ठीक है क्या वो करेक्ट है उसको वैलिडेट करना तो के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनको डिजाइन करना टू डेवलप इफेक्टिव इनपुट कंट्रोल्स तो यूजर को इफेक्टिव इनपुट कंट्रोल्स देने ताकि उसके लिए डेटा एंटर करना ईजी हो जाए तो चलिए अब बात करते हैं डिजाइनिंग डेटा एंट्री स्क्रीन की तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अब जब यूज़र से आप इनपुट लोगे तो वो जो इनपुट स्क्रीन है दैट बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इनपुट डिजाइनिंग क्योंकि उसी पे आप बहुत सारी चीजों को मैनेज कर सकते हो तो सबसे जो इफेक्टिव मेथड है डेटा का दैट इज फॉर्म तो फॉर्म फिलिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इन इनपुट डिजाइन क्योंकि आप कहीं पे भी जाओ आपको हर जगह पे कहीं आप करो एडमिशन के लिए जाते हो आपको फॉर्म भरना पड़ता है आप लाइसेंस बनवाना चाहते हो आधार कार्ड राशन कार्ड तो जो सबसे इफेक्टिव मेथड है इनपुट को लेने का दैट इज फॉर्म तो फॉर्म में क्या करते हैं हम हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स होते हैं और हम यूजर को उन फील्ड्स के कॉरस्पॉन्डिंग डेटा एंटर करने के लिए कहते हैं तो क्योंकि एक फॉर्म में मल्टीपल फील्ड्स होते हैं यूजर पहले फील्ड में डेटा एंटर करता है हर फील्ड का एक टाइटल होता है जिससे यूजर को यह पता चल जाता है कि एंटर वहां पे करना क्या है एक फील्ड में एंटर करने के बाद यूजर मूव टू अनदर फील्ड द सेकेंड इज रिस्ट्रिक्ट यूजर एक्सेस टू स्क्रीन लोकेशन वेयर डेटा इज एंटर तो आप यूजर से हमें थोड़ी सी ये चीज हाइड करनी कि एक्चुअली जो ये डेटा एंटर कर रहा है वो स्टोर कहाँ पे हो रहा है ये ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत जरूरी है द थर्ड इज प्रोवाइड द डिस्क्रिप्टिव कैप्शन फॉर एवरी फील्ड जो आपने फॉर्म यूजर को दिया है उसमें आपको प्रॉपर कैप्शनिंग करनी होगी कि उसमें आप यूजर से इनपुट लेना क्या चाहते हो ठीक है जी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि क्या ये फील्ड मैंडेटरी है इसकी टोटल फील्ड मैक्सिमम लेंथ क्या होगी तो ये सारी चीजें स्पेसिफाई करोगे जितनी आप क्लैरिटी लाओगे उतना ही यूजर के लिए कन्वीनियंट होगा इंफॉर्मेशन को एंटर करना और उतनी ही वैलिड इंफॉर्मेशन वो एंटर करेगा द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिस्प्ले अ सिंपल फॉर्मेट इफ यूजर इफ अ यूजर मस्ट एंटर वैल्यूज इन अ फील्ड इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट तो कहीं पे जब आपको बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए ऑन योर डेटा एंट्री स्क्रीन देन यू नीड टू स्पेसिफाइड का फॉर्मेट है तो आपको यूजर को वहां पे के साथ यू नीड टू मेक क्लियर कि डेट आएगी पहले मंथ आएगा कि ईयर आएगा पहले तो इससे यूजर को इनपुट करने में वो उसको इजी रहेगा और सबसे खास बात ये कि यूजर ठीक इंफॉर्मेशन एंटर करेगा next is require an ending keystroke for every field avoid a design that moves automatically the next item when the field is full तो so, आप किसी भी फील्ड में जब यूजर से इनपुट ले रहे हो उसमें इनपुट कंप्लीट हो जाती है तो बजाय इसके कि यूजर ऑटोमेटिकली मूव कर जाए टू तो द नेक्स्ट फील्ड यूजर को ये काम मैनुअली करना चाहिए आप देखते हो कि बहुत सारे ऑनलाइन फॉर्म होते हैं जिसमें सपोज करिए आपने पहले सबसे पहले फिल किया अपना फर्स्ट नेम नहीं करते इट इज ऑलवेज नो गुड प्रैक्टिस यूजर टू यूज एन एंट्री एंडिंग की ताकि यूजर को पता चले हाँ भाई यहाँ पे पहला फील्ड खत्म हो गया दूसरा स्टार्ट हो रहा है तो यूजर को लीडिंग जीरो टाइप ना करनी पड़े अब सपोज कीजिए यूजर ने पांच टाइप करना है तो ऐसा ना टाइप करना पड़े जीरो जीरो, जीरो। आपने कहा जी पांच डिजिट का होना चाहिए तो यूजर को पहले चार जीरो डालने पड़ जाए सो दैट इज बेसिकली नॉट अ गुड डेटा एंट्री स्क्रीन डॉट डू नॉट रिक्वायर यूजर टू टाइप ट्रेलिंग जीरो फॉर नंबर दैट इंक्लूड डेसिमल्स तो

नो नीचे वो इट यूज टू डिस्प्ले दंट्री स्टार्टिंग फ्रॉम द आई एन सो देर शुड बी ऑटो कम्प्लीट इंटेलिजेंस ऑप्शन शुड बी देयर यूज अ डिफॉल्ट वैल्यू वैन अ फील्ड वैल्यू विल बी कॉन्स्टेंट फॉर सक्सेसिव रिकॉर्ड थ्रू आउट द डेटा एंट्री से आपने फॉर्म फिल करना है तो एडमिशन हो रही है आउट ये जो चीज है पहले ही जैसे आपने बीस इक्कीस का फॉर्म खोला तो ये पहले ही डिफॉल्ट ही होना चाहिए सेशन कौन सी वैल्यूज को एक्सेप्ट कर रहे हो आपको स्पेसिफाई करना चाहिए प्रोवाइड अ वे टू लीव द डेटा एंट्री एट एनी टाइम विदाउट एंटरिंग द करंट रिकॉर्ड ये भी अच्छा ऑप्शन है कि आप यूजर को अलाउ करो कि वो उसको छोड़ के जा सके प्रोवाइड यूजर विद एन अपॉर्चुनिटी टू कंफर्म मैसेज सच एज अपडेटेड यस नो क्योंकि इससे यूजर के अंदर एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्रिएट आ जाता है वो ज्यादा अटेंटेटिव हो जाता है कि भाई ये मुझे पूछ रहा है कि हाँ इन्फॉर्मेशन करेक्ट कर दी है मैं सबमिट कर दू यस yes के नो no. तो यूजर एक बार फिर से चेक कर लेता है कहीं कोई गलती तो नहीं हुई

कि अगर यूजर ने कोई इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है उसके बाद उसको अपडेट करना या डिलीट करना या अपने रिकॉर्ड को व्यू करना ये ऑप्शन होने बहुत जरूरी है ताकि यूजर एक बार फिर से उसको चेक कर सके और अगर कहीं गलती है उसको एडिट कर सके या उसके फॉर्म में कोई ज्यादा गलतियां है हुई हैं तो वो उसको डिलीट करके वापस एड कर सके प्रोवाइड अ मेथड टू अलाउ यूजर टू सर्च फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अगर यूजर को कहीं फील्ड पे कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके पास प्रोविजन होनी चाहिए सर्च करने की नाउ टॉकिंग टॉकिंग अबाउट द डेटा एंट्री मेथड्स तो वेरियस डेटा एंट्री मेथड्स हमारे पास कौन कौन से हैं डेटा इनपुट कैसे की बोर्ड ऑप्टिकल करेक्टर रेकग्नि मैग्नेटिकिंग करेक्टर रेकग्निशन सेंस फॉर्म्स पंच आउट फॉर्म्स बार कोड्स एंड इंटेलिजेंट टर्मिनल्स तो आजकल तो वैसे बहुत सारा आपके वॉइस वॉइस बेस्ड कंट्रोल भी आ गए हैं कि आप वॉइस से भी डेटा एंटर कर सकते हो तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट है कौन सा जैसे हमने पहली स्लाइड में डिसाइड दूसरी डिसाइड में देखा था कि सबसे पहले जब मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं इनपुट डिजाइन के तो सबसे बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव है कि डेटा इनपुट का मेथड कौन सा होगा यूजर डेटा एंटर करेगा कैसे तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है जी जो यूजर ने एंटर किया उसको वेलिडेट करना तो वेलिडेशन के लिए टेस्ट फॉर मिसिंग डेटा लेंथ टेस्ट फॉर क्लास और कॉम्पोजिशन टेस्ट फॉर रेंज और रीजनेबलनेस टेस्ट फॉर इनवैलिड वैल्यूज तो फॉर्म में आपको सारी ये वैलिडेशन होनी चाहिए जैसी इंफॉर्मेशन आप चाहते हो यूजर ने वैसी एंटर की है या कुछ अलग किया है तो आपको वैलिडेट करके एरर देनी होगी और वापिस यूजर से करेक्ट करवाना होगा uh, इसकी एग्जाम्पल जैसे यी आपने कहा कि डेट एंटर कर उसने कर दी अक्टूबर थर्टी अब ये तो डेट थर्टी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती ऑब्वियसली so अगर वो यूजर एंटर कर देगा वो गलत हो जाएगा आपको वैलिडेट करने की जरूरत है क्या यूजर ने जो एंटर किया वो ठीक है अगर नहीं ठीक है जस्ट डिस्प्ले एन एरर ऑन द स्क्रीन सो दैट यूजर कैन करेक्ट इट सो वैलिडेशन इज द इज अ मस्ट फीचर इन द फॉर्म डेटा एंट्री मेथड तो दैट कंक्लूड्स आर टूडेज टॉपिक तो आज हमने डिसाइड किया कि डिजाइनिंग सिस्टम डिजाइन होता क्या है उसकी जरूरत क्यों है उसके बाद हमने डिसाइड किया कि सिस्टम डिजाइन दो तरह का होता है प्रिलिमिनरी जनरल जिसमें सिर्फ हमारे कंपोनेंट्स होते हैं और फीचर्स होते हैं स्ट्रक्चर और डिटेल डिजाइन जिसमें हमारे कंपोनेंट्स कैसे कनेक्टेड है उनके बीच कैसे रिलेशन है डेटा कैसे फ्लो कर रहा है इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग स्पेसिफिकेशन क्या है अगर आप सॉफ्टवेयर डिजाइन सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो तो कौन सी लैंग्वेज यूज करोगे कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करोगे ऑल दिस थिंग्स विल बी डिजाइड इन द